कृषि प्रधान देश भारत आज विकास की रफ्तार में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास की इस रफ्तार में कृषि का महत्व कम ना हो, इसके लिए जीएसपी फाउंडेशन कृषि के क्षेत्र में भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सबसे आगे है। जीएसपीएल के चेयरमैन नवीन जिंदल भी किसानों और कृषि की जरूरतों को समझते हैं। हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो कृषि से जुड़ी हुई है, तो उनको जो है हम अच्छी तकनीकों से हम उनको अवगत करा सकें और किस तरह से ज़्यादा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जैविक खेती जो है वो कर सकें, इसलिए हमने हमेशा बहुत रुचि लेकर इसके ऊपर हमने काम किया। छत्तीसगढ़ का तन्नार ब्लॉक, एक छोटा सा गांव कचकोबा, ओपी जिंदल समाज कल्याण समिति और नाबार्ड ने मिलकर वाड़ी योजना की शुरुआत की है। वाड़ी एक ऐसी योजना है जिससे किसान परिवारों की आमदनी में खासा इजाफा हुआ है। वाड़ी विकास कार्यक्रम के तहत यहाँ एक एकड़ जमीन पर सब्जियाँ और फल उगाए जाते हैं। पहले हम बंजर जमीन में कोई फायदा नहीं रही, समझ लो जिंदल वाला साहब मनाई ना और बताइन कि एक ठी योजना है बाड़ी विकास, तो हम कहें कि बाड़ी में का विकास हो ही, तो साहब मन कहीं कि ये घर वाला बाड़ी नहीं, बंजर जमीन ला बाड़ी विकास करना है, फलदार पौधा लगाना है, तो कम से कम यही पेड़ पौधा है, फल लगा थे, हमारे बहुत खुश है। कचकोबा गांव में रहने वाले किसान कुछ समय पहले तक एक ही तरह की फसल उगाते थे जिससे सिर्फ 2 से 3 हजार रुपए की आमदनी ही होती थी, लेकिन अब आम नींबू और काजू की खेती की जा रही है जिससे इन किसानों की आमदनी 34 हजार रुपए तक पहुंच गई है। इन किसानों के चेहरे की मुस्कान वाड़ी की सफलता की कहानी सुनाती है। फोकस न्यूज के लिए तमनार से फ्रैंकलिन निगम के साथ सपना सिंगला की रिपोर्ट।